बच्चों, कैसे हो आप? आज हम सीखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए हिंदी। पेज नंबर 2, नंदनवन। नंदनवन देखो बच्चों, यहाँ शीर्षक क्या है? पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। जैसे कि बच्चों आपको पता है, जैसे अप्रैल, मई, जून जब महीना आता है तब हमें बहुत गर्मी सताती है, भयंकर गर्मी होती है। तब हमें लगता है कि हमें एक-एक पेड़ लगाना चाहिए था। पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। पेड़ ही जीवन है बच्चों, पेड़ ही जीवन है, और हमें हमेशा एक एक पेड़ लगाना ही चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है बच्चों, ये हमारी जिम्मेदारी है। पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। शहरों में जैसे औद्योगीकरण बढ़ता जा रहा है तेजी से, वैसे ही हमें पौधों को बचाना चाहिए, उनकी हमें रक्षा करना चाहिए। अगर पौधे नहीं होंगे बच्चों तो ये दुनिया में बहुत बुरा हो जाएगा पूरा। अगर पौधे हमने नहीं लगाए बच्चों तो ये दुनिया बहुत बुरी तरह से ये हो जाएगी बच्चों। हमें सबको, छोटों को, बड़ों को, एक-एक पौधा लगाना ही चाहिए। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। अब हम सीखेंगे नंदनवन पाठ। हमें ये चित्र दिख रहा है बच्चों, हमें ये जो पिक्चर है वो दिख रहा है बच्चों। यहाँ हमें बहुत सारे चित्र दिख रहे हैं, बहुत सारे पशु पक्षी दिख रहे हैं। नंदनवन, नंदनवन का मतलब क्या है आपको पता है बच्चों? नंदनवन किसे कहते हैं? जो जंगल रहता है, जैसे हम गार्डन बोलते हैं, गार्डन में देखो बहुत सारे पशु पक्षी इकट्ठा रहते हैं। जैसे जंगल में बहुत सारे पक्षी जो रहते हैं वो इकट्ठा रहते हैं, उसे ही नंदनवन कहते हैं। बच्चों आपको पता है नंदनवन कौन-कौन से पशु रहते हैं? नंदनवन में कौन-कौन से पशु रहते हैं? देखो यहाँ पे आपको ये चित्र दिख रहा है, ये जो पिक्चर दिख रहा है ये है तोता। तोता हमें क्या कह रहा है बच्चों? तोता हमें नमस्ते नमस्ते कह रहा है। वैसे ही बच्चों नीचे ये है तितली। तितली आपको तो सबको तितली पता है ना, उसमें कितने बहुत सारे कलर रहते हैं, उसके छोटे छोटे पंख रहते हैं, वो बहुत सुंदर दिखती है। और वो क्या बोल रही है? ये जो नंदनवन है उसमें आपका स्वागत है, ये जो नंदनवन है इसमें आपका स्वागत है। और इसे क्या कहते हैं? ये है खरगोश, ये है खरगोश। खरगोश हमें क्या कह रहा है? नाचो गाओ, खुशी से सब नाचो और गाओ। और वैसे ही नीचे क्या है बच्चों? ये है लोमड़ी, ये है लोमड़ी। ये हमें क्या क्या संदेश दे रही है, क्या बता रही है बच्चों? हम सब साथ है, हम सब साथ है, ऐसे लोमड़ी बता रही है। और वैसे ये तो पिक्चर सबको पता है, ये कौन है? ये बड़े कान वाले हाथी दादा है, बड़े कान वाले हाथी दादा है। ये हमें क्या बता रहे हैं? कतार में चलो, कतार में, कतार मतलब एक लाइन में चलो। ये जो बच्चों नंदनवन है इसमें सब प्राणी जो रहते हैं, जो पशु रहते हैं वो सब मिलजुल के रहते हैं बच्चों। जैसे तितली रानी हो, खरगोश हो, लोमड़ी हो, हाथी दादा हो, तोता हो, बच्चों सब सारे जो प्राणी रहते हैं वो एक साथ रहते हैं, एक साथ खुशी से वो नंदनवन में रहते हैं बच्चों। नंदनवन जो है वो सब पशु प्राणी से भरा हुआ रहता है, और उसमें बहुत सारे पेड़ रहते हैं बच्चों। और हमें पेड़ बहुत ज़रूरी है बच्चों, हमें एक तो पेड़ बच्चों लगाना ही चाहिए।